है hey एवरी मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई एस जे एस तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी पनीर मसाला तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंड्स मेथी पनीर बनाने के लिए यहाँ पे एक बंच मेथी लिए हुए हैं इसको धो करके साफ़ कर लिए हैं और ये ताज़ी मेथी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही इस टाइम मुलायम मुलायम मेथी मार्केट में आ रही हैं और यहाँ पे आधा बंश पालक है तो फ्रेंड्स एक बंच मेथी है आधा बंश पालक लिए हुए हैं ताकि जो भी थोड़ा सा कड़वापन होता है मेथी में वो नहीं आएगा टेस्ट पनीर में इसलिए आधा बंश पालक आप ज़रूर लें यहाँ पे और यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं तो आधा कप दही है ये फ्रेश घर की दही है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चमच छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखी नहीं होती है आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर सारे मसाले को दही में अच्छी तरह से मिला लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे पानी नहीं डालना है बस दही में ही मसाले को मिलाना है तो यहाँ पे मसाला मिल कर तैयार हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स दो टेबल स्पून भुना बेसन है एक चम्मच कसूरी मेथी इसे भी मिला लेंगे अच्छी तरह से तो बेसन आप जब भी ऐड करें तो भुन ही ऐड करें क्योंकि मसाले में उतना अच्छे से नहीं भुन पाएगा तो पहले से भुना हुआ बेसन रहता है तो मसाले में अच्छी तरह से भुन जाता है दो टेबल स्पून यहाँ पर तेल डाले हैं आधा चम्मच जीरा और दो प्याज है जिसे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबे लंबे ही काटे हैं और पतले पतले में आप चाहें तो इसे बारीक भी काट कर डाल सकते हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भुनेंगे थोड़ा सा कलर आने तक तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर आ चुका है प्याज में तीन से चार मिनट में अच्छी तरह से कलर आ जाता है और यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई है यहाँ पे एक चम्मच लहसुन एक चम्मच अदरक और दो से तीन हरी मिर्च है जिसको कूट लिए हैं थोड़ा सा दर दरा सा बहुत बारीक इसको पेस्ट नहीं बनाना है तो प्याज के साथ अदरक लहसुन मिर्च को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स लहसुन प्याज सब भून चुके हैं दो टमाटर का पेस्ट है इसको मिक्सर में डाल करके जार में पीस लिए हैं आप चाहें तो कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे काट करना डालें तो बेहतर रहेगा कद्दू कस कर लें या तो मिक्सर में पीस लें तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह से भुनेंगे तेल सेपरेट होने तक तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छी तरह से भुन चुका है तो अभी इस स्टेज पर जो मसाला बना कर रखे थे दही वाला वो ऐड करेंगे यहाँ पर और दही वाला मसाला है तो इसको लगातार चलाते हुए भुनना है ताकि दही फटे ना तो थोड़ी देर तक जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे तब तक लगातार चलाना है तो फ्रेंड्स मेथी पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बहुत हेल्दी भी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है अगर एक बार बनाएंगे आप तो बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इतनी टेस्टी बनती ही है तो उसी बर्तन में जिस बर्तन में मसाला था थोड़ा सा पानी खंगार करके डाल दिए हैं और इसको पाँच से सात मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसाले को भुनने देंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तेल सेपरेट हो चुका है मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भुनना है तभी आपकी पनीर स्वादिष्ट बनेगी तो यहाँ पे ढक करके दो से तीन मिनट तक और भुनेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मसाले को भुनने में दस मिनट का टाइम लगा है 5 से 6 मिनट पहले और दो से तीन मिनट अभी अब यहाँ पे मेथी और पालक को ऐड कर देंगे क्योंकि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो मेथी पालक को अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो फ्रेंड्स यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया और एक छोटी चम्मच नमक मिलाई हूँ तो नमक ध्यान से डालना है क्योंकि मैरिनेसन के समय भी मसाले में मैं आधा चम्मच नमक ऐड की थी तो यहाँ पर मसाला और मेथी सारे मिल चुके हैं अब इसको ढक करके दस मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि मेथी और पालक अच्छी तरह से पक जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स दस मिनट हो चुका है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मेथी और पालक काफ़ी हद तक गल चुका है और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी देर तक इसे मीडियम फ्लेम पे ही और भुनेंगे बहुत ज़्यादा थोड़ी सा ढक कर के दो से तीन मिनट बस इसे भुनना है अब क्योंकि काफ़ी हद तक गल चुका है पालक और मेथी अब यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं जैसे कि एकदम गलकर मेथी और पालक तैयार हो चुका है मसालों के साथ थोड़ी देर तक इसको चला लेते हैं और बीच बीच में चलाते थोड़ा रहना है ताकि लगे ना और फ्रेंड्स यहाँ पे 300 ग्राम पनीर है ये घर की फ्रेश पनीर है आप चाहें तो मार्केट के भी पनीर ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा सा मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिए हैं पनीर को अच्छी तरह से मसाले में मिला लेंगे और केयरफुली मिलाना है ताकि पनीर बहुत सॉफ़्ट है तो टूटने ना पाए इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर इसे मिलाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाले और मेथी आपस में मिल चुके हैं पनीर को मिला करके मसालों के साथ इसे सात से आठ मिनट तक लो फ्लेम पे और पकाना है तो यहाँ पे ढक करके इसको फ्रेंड सात से आठ मिनट तक जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि और पकाएंगे इसको हाई फ्लेम नहीं करना नहीं तो यहाँ पे पनीर जल जाएगी सॉरी पकड़ लेगी पैन में तो यहाँ पे सात से आठ मिनट हो चुका है मेथी और पनीर एक सार हो चुके हैं मिलकर पक गए हैं अब इसको थोड़ा सा केयरफुली चला लेते हैं और फ्रेंड्स बहुत ही इसका प्यारा कलर आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मेथी पनीर तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा तो फ्रेंड्स मेथी पनीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही झटपट बन जाता है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेथी पनीर बनकर तैयार है अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं इसे सर्व करते हैं तो यहाँ पे बंद कर दिए हैं गैस और इसको सर्व कर लेते हैं एक बर्तन में तो लीजिए फ्रेंड्स मेथी मसाला पनीर बनकर तैयार है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स और बहुत ही झटपट भी बन जाती है जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और खाने में तो लाजवाब है इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और इसे रोटी चावल किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं इसके बाद कमेंट करके बताएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मिलते हैं कौन सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर